साथियों, नव वर्ष 2018 की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, आपके पूरे परिवार को। नया नया वर्ष मंगलमय हो और आपका परिवार सुखी रहे, ऐसी कामना करते हैं। साथियों, इस नए वर्ष में बहुत सारी चुनौतियां हैं हमारे लिए। अगर हम इस नए वर्ष को देश के बारे में सोच के लेते हैं तो बहुत ही चिंताजनक विषय है। देश की स्थिति अभी बहुत ही गलत दिशा में चल रही है। देश की जो नीतियां हैं बहुत ही गलत दिशा में चल रही हैं। हमारे देश की जो केंद्र की सरकार है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जिसको लीड कर रहे हैं, उस सरकार की अगर हम सारी नीतिगत सवालों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा देश फिर से उसी गुलामी की दिशा में जा रहा है। आज बहुत जल्दी हमारा पूरा देश पूंजीपतियों के, देशी विदेशी पूंजीपतियों के कब्जे में होगा। उनके बिना, जैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी अंग्रेजों के समय में, उन्होंने पूरे देश को कब्जा किया था, अब ये सारी कंपनियों को हमारी सरकार ही करवा रही है। वो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, जिसमें जो राष्ट्रभक्त कहते हैं लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आप को, मगर वो कैसे राष्ट्रभक्त है ये समझना बहुत मुश्किल है। दूसरा साथी, नौकरियों का हाल बहुत बुरा हो गया, रोजगार पैदा हो नहीं रहे, क्योंकि नीतियां ऐसी बन रही जिससे रोजगार पैदा होने ही नहीं है। जो रूरल सेक्टर में रोजगार पैदा होते थे वो सारी योजना गवर्नमेंट बंद कर रही है। जैसे आपका नरेगा, आप पूरा देखेंगे इसको तो इसमें पूरा बजट बजट को अगर एनालिसिस करेंगे तो सरकार ने वो सारी चीजों का बजट काटा है जिससे रोजगार पैदा होता है और जो छोटा गरीब आदमी का जो है जिसको सहायता मिलता है। शिक्षा का बजट कटा है, स्वास्थ्य का बजट कटा है, नरेगा का बजट कटा है, जो भी जनकल्याणकारी योजना है उनका बहुत बड़ी संख्या में सरकार ने बजट काटा। तो नौकरियां कैसे पैदा होगी? और जो नौकरियां पैदा हो रही हैं वो सारा उसमें श्रम कानून बदल के वो ठेकेदारी आ गई है। ठेकेदारी का हालत ये हो गया है कि पूरे लोग जो है उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो कितना पैसा मिलेगा, कितनी देर काम करेगा, कब तक काम मिलेगा? नौजवान बेचारे भटक रहे हैं, नौजवानों की बहुत दयनीय हालत हो गई है। आज की तारीख में हमारे जो लड़के पॉलिटेक्निक करके आ रहे हैं बेचारे वर्कर का काम कर रहे हैं, जो बीई वाले हैं वो भी वर्कर का काम कर रहे हैं, कई कुछ जगह सुपरवाइजर का काम कर रहे हैं। उनको काम मिलेगा नहीं मिलेगा सुनिश्चित नहीं है। 10,000, 12,000, 6,000, 8,000, 10,000 में सब बच्चे काम कर रहे हैं, मजबूरी है, काम मिल नहीं रहा है। तो ऐसे हालात पैदा की गए कि ये पूंजीपतियों को लोग मुफ्त में जो है मैन पावर मिले, जिसके लिए सरकार ने ये सारा किया है। तो नौजवानों की जो हालत है वो भी बहुत बुरी खराब है। इसको बदलने के लिए हमको नए वर्ष में संकल्प हमको लेना चाहिए कि इसके खिलाफ, गलत नीतियों के खिलाफ हम लोग संघर्ष करें। किसानों की हालत बहुत दयनीय है। किसानों की जो फसल है वो लागत, उसकी लागत इतनी बढ़ गई है कि वो उसका वो कर नहीं पा रहा है पूरा, उसको जितना लागत ही नहीं निकल पा रही है उसकी। तो ये जो सिचुएशन है किसान, जिसमें कई किसान हमारे देश के आत्महत्या कर रहे हैं, उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार घोषित नहीं कर रही है, उनके कर्जे माफ करने की जब भी बारी आती है तो ऐसा माहौल बना देते हैं कि साहब किसानों को क्यों, सबको सब कुछ मुफ्त में चाहिए। मगर ये देखो कि किसानों के बारे में पैसे नहीं है, मगर वहीं बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स का, पूंजीपतियों का लाखों हजार करोड़ रुपया जो है सरकार माफ करने को तैयार है। जो एनपीए क्या है, जो बैंक से कर्ज लिया उनने चुकाया नहीं, वो एनपीए जिसको सरकार भर रही है। तो बड़े लोगों का, पूंजीपतियों का सरकार भर सकती है मगर किसानों का नहीं भरना है। तो ये अजीब सी स्थिति पैदा हो रही है कि देश का जो रीढ़ है, जो देश की, जो हमारे देश की बुनियाद, वो किसान है। आज किसान संकट में है, नौजवान संकट में है। तो ये स्थिति हमारे सामने है, ये एक सबसे बड़ी चुनौती है जो हमको इस 2018 में, जिसके बारे में बहुत चिंतन करना चाहिए। देश के अंदर अजीब सा एक वातावरण, नफरत का वातावरण बन गया राजनीति में जो है, जो हिंदू मुसलमान के नाम पे नफरत हो रही है, जो धर्म का, हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना लेकर के आरएसएस के लोग, खास तौर से उनको किसी किसी ने जो है ये समझ के नरेंद्र मोदी जी को वोट नहीं दिए, मगर अभी जो चलाने की कोशिश कर रहे हैं उससे देश में नफरत, घृणा आपस में, इसके अलावा कुछ नहीं पैदा होना है। तो ये राजनीति जो है, ये सारे जो असल मुद्दे हैं उससे हमें भटका दे रही है, चाहे वो 3 तलाक हो, चाहे वो दूसरे मैटर हो। और आज अल्पसंख्यकों पर मतलब खुल के हमले हो रहे हैं, अब उसको और सामूहिक रूप से हमले हो रहे हैं। तो ये जो है देश में एक चिंता का विषय है, और ये एक साजिश है कि जो है, जो ये गलत नीतियां हैं देश के ऊपर लागू कर रही हैं पूंजीपतियों के दबाव में जो सरकार है, उसके बारे में जनता, आम जनता, नौजवान समझ ना पाए, उसके लिए ये धार्मिक नफरत ये बहुत जरूरी है। वो धार्मिक नफरत फैला रहे हैं, तो इसकी वजह से देश को आगे बढ़ने की जगह जो है देश पीछे जाएगा।
इसलिए साथियों 2018 बहुत ही चुनौतीपूर्ण साल है, और हम ये निवेदन कर रहे हैं सभी लोगों से, जो भी नौजवान खास तौर से और बाकी हमारे साथी, कि इस साल में इस राजनीति को, गलत नीतियों का विरोध, जैसे FBI या बाकी जो भी नीचे पूरी गलत नीतियों की तरफ ये सरकार चलेगी, श्रम कानून का खात्मा, नौजवानों को गुलामी की तरफ धकेलना, किसानों की दयनीय हालत करना, ये सब जो है दिखाते हैं, दुकानदारों की हालत खराब है जो GST और नोटबंदी के बाद से, तो कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है देश में जो माहौल जिस बारे में इस सरकार की सही नीति, और जो नफरत की राजनीति है इसका भी हमको खुलकर विरोध करना पड़ेगा। तो आपको पुनः बधाई 2018 की इस संकल्प के साथ कि आप लोग जो है उसमें जो है 2018 में ये संकल्प लेंगे कि ये सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे, हम लोग संघर्ष करेंगे, और साथ में जो देश में सांप्रदायिक माहौल, संविधान के विरोध में माहौल, जो नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, इसको रोकने के लिए हम लोग संकल्प लेंगे। धन्यवाद साथियों, थैंक यू।